हाय फ्रेंड्स, मैं राम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। वीरे दी वेडिंग को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं। इसके 4 दिन का कलेक्शंस बताता हूँ मैं। फर्स्ट डे इसने कमाई की थी 10.70 करोड़, जो बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग कमाई थी। किसी को यकीन नहीं होता कि ये फिल्म इतना कमा सकती है, ऊपर से अगर वो ए स्टार वाली फिल्म हो, यानी कि एडल्ट रेटिंग वाली फिल्म हो, जिसे ए सर्टिफिकेट मिला हो। दूसरे दिन इस फिल्म ने कमाई की 12.25 करोड़, थोड़ा सा ग्रोथ मिला। तीसरे दिन में इसने 30.57 करोड़ की कमाई की, एक अच्छा खासा कलेक्शन मिला। अगर आप मंडे का कलेक्शन देखें तो 6.04 करोड़ कलेक्शन है, यानी कि करीबन करीबन अगर देखा जाए तो 45% का डिक्लाइन आया, जो बहुत बड़ा या बहुत कम डिक्लाइन नहीं है, एक डिसेंट डिक्लाइन हम इसे कहेंगे। और टोटल कलेक्शन का हो चुका है 42.56 करोड़। अब आप सोचोगे 42.56 करोड़ अगर हो चुका है तो क्या इसके चांसेस है 100 करोड़ करने के, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में। तो यहाँ से मुझे तो लग नहीं रहा है कि 100 करोड़ तक जाएगी, लेकिन हाँ यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 से 85 करोड़ तक जाएगी, क्योंकि मंडे के कलेक्शन थोड़े लो आए मेरे हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद अगर ये फिल्म 80 करोड़ तक भी जाती तो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा इस फिल्म के लिए। और ये फर्स्ट वीक खत्म होते होते इसका 54 करोड़ तक का कलेक्शन होने की चांसेस है, जो अपने आप में एक अच्छे खासे कलेक्शन होगी। और मुझे लग रहा है कि इस फिल्म में आई थिंक उतना दम होगा कि ये आई थिंक 80 करोड़ तक जाएगी, तो मज़ा आएगा। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन आप कितने खुश है वीरे दी वेडिंग फिल्म के कलेक्शंस को जानकर, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल कितना ही।